वेलकम बैक टू गाइज, एक नया दिन, एक नई जर्नी। आज का जो हमारा ट्रैवल होने वाला है वो आगरा से पाटलिपुत्र पटना का होने वाला है, और जो मेरी ट्रेन है वो आनंद बिहार से कामाख्या की है, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जो मैं छठ मनाने के लिए बिहार जा रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि पटना में क्या है, बिहार में ऐसा क्या है घूमने का, बट लेकिन इस बार मैं आपको अपनी पूरी बिहार, पूरी इंडिया की स्टेट, मतलब कि पूरा बिहार मैं आपको ट्रैवल करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर बिहार में कितना कुछ घूमने को है, कितना एक्साइटेड है। तो होते हैं लोग शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, बट कोई लोग बिहार नहीं जाता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बिहार में कुछ इतना खास नहीं है। बट लेकिन मैं इस ब्लॉग में, आप मेरे ट्रैवल सीरीज़ में पूरी बिहार की आप देखेंगे कि प्रॉपर मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉपर कितना कुछ बिहार में एक्सप्लोर करने के लिए है। तो प्रॉपर मेरी आप ट्रैवल सीरीज़ देखिए। और ये जो अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, जो मेरी ट्रेन है 9:30 की है, अराउंड 9 बज गए मॉर्निंग के, तो आधे घंटे में हम बोर्डिंग करेंगे। तो बाकी की जो बातें मैं आपसे ट्रेन में करूँगा और ट्रेन का सफ़र दिखाएंगे। और जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर एंट्री करते हैं, अगर आपकी ट्रेन टिकट कन्फर्म नहीं है तो आपको इस रेलवे स्टेशन पर एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरा पॉइंट यह कि आपको प्रॉपर सैनिटाइज़ हो रहा है और कोई ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही। अगर कन्फर्म टिकट वाले ही प्रॉपर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पर तो रश भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर इतना कोविड का, मैंने अभी मास्क नहीं लगाया है तो इतना, क्योंकि यहाँ पर पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा हुआ ज़्यादातर, तो इस जगह से मैं प्रॉपरली ओपनली यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरीके आप थोड़े प्रिकॉशंस देखना, अगर आपकी टिकट कंफर्म ना हो तो शायद आपको एंट्री ना मिले रेलवे स्टेशन पे। और बाकी सब कुछ अभी तक तो ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। आगे जैसे ट्रेन आएगी तो पता लगेगा कि प्रॉपर ट्रेन के अंदर कितना सैनिटाइज है, कैसी कैसी मुझे अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप विंटर टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक मुझे मैसेज आया था जब मेरा चार्ट प्रिपेयर हुआ था, मैसेज आया था कि ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं इस टाइम पर विंटर टाइम में, क्योंकि कोविड चल रहा है तो यूज्ड ब्लैंकेट होते हैं, वो वॉश नहीं होते ज़्यादा। तो आप देखिए कि अपने संग थोड़ा सा विंटर क्लॉथ ज़्यादा लाएं अगर आपका नाइट ट्रैवल है, क्योंकि आपको ब्लैंकेट नहीं मिलेगा तो ठंड बहुत लगती है इस टाइम पे ट्रैवल करने में, तो इसका आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर कभी, मिलते हैं दीपक ग्रोवर में, नाम चैनल सर्च करना मिलेगा आपको। अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है प्रयागराज इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया है। तो ऐसे ही हमारी हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और ट्रेन ऑन टाइम से भी पहले आ चुकी है। तो यहाँ पे आई थिंक लंबा हॉल्ट रहेगा और अराउंड हमारी, आज मेरे संग क्या हुआ, आज मैं स्टार्टिंग में पहुँचा ट्रेन पक करने तो मेरी सीट पर कोई और बंदा बैठा हुआ था और वहाँ पर क्या पॉइंट हुआ, वो हट नहीं रहा। मैंने बोला मेरी सीट यही है, दिख रही कन्फर्म। बाद में टीटी ने बताया कि सेम नाम का, मेरे नाम दीपक नाम का एक बंदा वहाँ आया और वहाँ आराम से बैठा है, उसे पता ही नहीं कि उसे स्लीपर में बुक कराई है। तो भाई बंदे ने मेरे 15-20 मिनट ख़राब किए तब जाके वो वहाँ से हटा। तो ऐसा हुआ स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा सेटलमेंट किया, फिर मैं सो गया। और अब यहाँ पर देखते हैं तो हाफ जर्नी मेरी सोते सोते कम्प्लीट हो गई है और अब आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट स्टेशन है अराउंड दो घंटे बाद, अभी अराउंड 4 बज रहा है तो हम प्रयागराज आ गए और 6 बजे तक ये पहुँच जाएगी दीनदयाल उपाध्याय तक। तो उसके बाद देखते हैं प्रॉपरली मुझे पहुँचने, पटना पहुँचने मुझे 10 बज जाएंगे रात के, तो अराउंड 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। बाकी ऐसे ही आपको बताते चलेंगे जर्नी में क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, तो बने रहिए वीडियो में। We'll be right back.
अभी हम पहुंच चुके हैं मुगल सराय और प्रॉपर इसे एक घंटा अभी लेट हो चुका है। जितना ये जल्दी पहले रिकवर कर रही थी और ये जैसे ये बिहार जोन में जा रही है प्रॉपर ये लेट होती जा रही है। अभी एक घंटा डिले हो चुकी है तो और प्रॉपर मुझे पता लगा ये पूरी ट्रेन ना बिहारियों से भरी हुई है, वो भी छठ पूजा का फेस्टिवल का टाइम है और सब लोग इस समय घर जा रहे हैं और मैक्सिमम ये पूरी ट्रेन खाली होने वाली है बिहार के अंदर जैसे भी स्टेशन से पहुँचेगी धीमे धीमे बक्सर और प्रॉपर पटना जंक्शन को पार करेगी तब तक ये आधी खाली हो चुकी होगी। तो बस अभी 8 बजने वाले हैं अराउंड, थोड़ी देर में खाना वाना खा के सो जाएंगे उसके बाद देखेंगे। 2-3 घंटे बाद ही पहुंचेगी ये, अभी अराउंड 7-8 बजे का टाइम हो रहा है तो 11 बजे अभी 10 बजे का ऑफिशियल टाइम है बट ये एक घंटा डिले है तो अराउंड लग रहा है कि 11 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा। तो बाकी के जो अपडेट्स होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं। अभी इस समय पहुंच चुका हूं अपने होटल रूम में, रात का बज रहा है अराउंड 12:30। आज ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई थी, ट्रेन मुगल सराय से स्टार्ट हुई थी चलना, उसके बाद ऑन टाइम जो ट्रेन का स्टेशन पे पहुंचने का था टाइमिंग वो था अराउंड 10 बजे लेकिन ट्रेन पहुंची अराउंड 12 बजे। तो मुझे उस टाइम पे मेरा फ्रेंड लेने आने वाला था राजेंद्र नगर पटना से तो वो आ नहीं पाया, मेरे को लेट हो गया और कोविड टाइम चल रहा है और छठ पूजा का फेस्टिवल है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेकिंग भी चल रही है रात को। तो मैंने सोचा कि एक होटल रूम लेके रेलवे स्टेशन के जस्ट आसपास यहीं पे रात को स्टे कर लीजिए और मॉर्निंग में मैं निकल जाऊँगा अपने फ्रेंड के यहाँ पे, या मुझे वो पिकअप करने आ जाएगा जैसे भी सूटेबल होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक रूम लिया है, मुझे 500 रुपीज़ का पड़ा है, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है, बहुत सही कंडीशन में है। कोविड चल रहा है तो मेरे को लगा कि ज़्यादा भटकना भी नहीं चाहिए रात का टाइम में, सेफ़ नहीं है तो, और सेफ़ भी नहीं है रात को एज अ ऐसे डिफरेंट सिटीज़ में आप आके। थोड़ा सा कभी कोई पैसा है अगर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है बट आप थोड़ा सेफली फील करो। तो इसलिए मैंने अपने रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने रूम बुक कर लिया। अगर आप भी अगर पटना कभी घूमने आए तो अगर आप पाटलिपुत्र उतर रहे हैं तो होटल रूम आपको यहाँ मिल जाएगा 300 से 500 के रूम में, 300 से 500 की रेंज में सॉरी। तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से रूम मिल जाएगा। अगर आप पटना स्टेशन पर आ रहे हैं तो वहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप पटना स्टेशन पर अगर पहुँच रहे हैं आप। तो बाकी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ लेकिन मेरी जो पटना सीरीज़ है वो कंटिन्यूस आने वाली है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से मैं पूरे इंडिया में हर एक स्टेट को ट्रैवल करने वाला हूँ अब। और प्रॉपर मैं इस बार बिहार स्टेट ट्रैवल करने आया हूँ, पूरा छठ पूजा फेस्टिवल और तो और पूरी जो बिहार छठ पूजा के साथ साथ मैं पूरा बिहार भी ट्रैवल करने वाला हूँ। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, लोकेशंस हैं, अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे पूरे बिहार में, मैं उनको ट्रैवल करने वाला हूँ, उनकी पूरी एक सीरीज आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारे एडवेंचरस वीडियोज़ और अनएक्सप्लोर्ड जगहों को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ऐसे ऐसे लोकेशंस को जो बहुत से लोग एक्सप्लोर नहीं करी होती उनको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी ट्रैवल सीरीज मिलने वाली है, बहुत एडवेंचरस वीडियो होने वाली हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ जर्नी।